ग्रोएप में पहला स्टॉक्स कैसे बाय करें, इस पर मैंने पहले से भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि इस वीडियो में जो है हम इस पहले स्टॉक्स को कैसे बाय करेंगे इसके विषय में मैंने एक जानकारी दी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको आखिरी तक पता चल जाएगा कि हमने क्या बताया है। सबसे पहले अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो अकाउंट बनाएं, उसके बाद कंपनी का चयन करें। इसके लिए आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी पुरानी है और वह गवर्नमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं। दूसरी जानकारी यह है कि दूसरा चीज यह भी देखना है आपको कि आप कितने दिनों के लिए स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं। ध्यान में रखिए कि आप कितने दिन के लिए स्टॉक्स को बाई करेंगे, ये डिपेंड करता है, क्योंकि तभी आप जो है स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसे अर्न कर पाओगे। नहीं तो एक दिन में मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो तो एक ही दिन में ग्रोथ हो गई और वो शाम तक उसका ग्रोथ डाउन हो गया, तो इससे आप पैसे इस तरह नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट और अच्छी कंपनीज की पहचान होना जरूरी है। इस पर भी मैं एक वीडियो आगे लेकर आऊंगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। तो कैसे यहाँ पर ग्रुप एप्लीकेशन में पहला स्टॉक्स बाई करना है वो चीजें हम आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आना है, अब कहाँ से बाई करना है आपको, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको स्टॉक्स बाई करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स आपको बाई करना है। तो यहाँ पर इस समय जो ग्रोथ में चल रही है वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर 631.40 रुपए का ये स्टॉक्स है। उसके बाद दूसरी कंपनी यहाँ पर HFCL, यहाँ पर HFCL जो कंपनी है इसका भी इस समय जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, यानी कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रही है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, अब इसका शेयर्स जो है 99.70 रुपए का है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पहले इस स्टॉक की कीमत थी 93.80 रुपए और अब इस समय कीमत है इसकी 99.70 रुपए। तो आप देख सकते हैं इसका एक दिन का चार्ट है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एक वीक का भी होगा तब भी वही चीज है कि इस कंपनी ने ग्रोथ ही किया है, ना कि यहाँ पर ये डाउन गया है। तो यहाँ पर HFCL कंपनी, बाई चांस हम HFCL कंपनी के स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो है टूडे लो परफॉर्मेंस था 83.80 रुपए का। उसके बाद ये सबसे ज्यादा, यानी कि जो ये कंपनी है, एक स्टॉक की कीमत जो है सबसे ज्यादा हाई हुई है 101.35 रुपए, यानी कि 83 रुपए का स्टॉक था, 101.35 रुपए तक यहाँ पर हाई गया था। तो हमें इसको जो है इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्टॉक्स को बाई करने के लिए हम यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपका जो है रेट्स होगा, यानी कि कंपनी की प्राइस होगी कि एक शेयर कंपनी का कितने का है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिलीवरी शो होगा और यहाँ पर इंट्राडे शो होगा। आप डिलीवरी में जो है स्टॉक्स को बाई करना चाहते हो या इंट्राडे में, तो हमें डिलीवरी में करना है, यानी कि हम आज ही जो है बाई करके आज ही जो है सेल नहीं करना है हमें। तो हमें इसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक हम इसको बेचेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपको BSE या NSE आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम NSE सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइस लिमिट है, तो यहाँ पर 101.70 रुपए यहाँ पर लिमिट हमने सेट की है। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, हम मार्केट प्राइस पर इसे बाई करेंगे। तो हम यहाँ पर एक मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कितने, यानी कि शेयर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 100 शेयर्स यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। 100 शेयर्स मान लीजिए हम 5 शेयर्स यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर 99.70 रुपए का एक शेयर है। उसके बाद यहाँ पर जो हम पांच क्वांटिटी यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, तो आपके खाते में जो है यहाँ पर होना चाहिए 522 रुपए, यानी कि जो रिक्वायर्ड खाते में कह रहा है वो 522 रुपए है। तो यहाँ पर आपको खाते में एड पैसा कर लेना है। तो एड पैसा करने के लिए यहाँ पर एड मनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो है 1000, 1500, 2000, 3000 रुपए हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप मिनिमम यहाँ पर 100 रुपए जो है ऐड करेंगे, इसके नीचे आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 100 रुपए
प्लस आप ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पर 100 रुपए के नीचे ऐड नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हम 1000 रुपए यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 1000 सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब दिखाएगा जिसके थ्रू आपका पेमेंट कटना है, उसको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ऐड मनी, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके यहाँ पर गूगल पे में। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी स्टॉक्स आपने बाई किए रहेंगे, सेल किए रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहां पर देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से जो है शेयर्स बाई किए हैं और कौन कौन से शेयर्स आपने सेल किया है। पर आपको लिस्ट शो होगी, आपके ऑर्डर्स शो होंगे कि आपने कौन कौन से स्टॉक्स बाई किए हैं और कौन कौन से सेल किए हैं। जैसे बाई किए रहेंगे, मान लीजिए इसको आपने बाई किया है, इसको आपको सेल करना चाहते हैं, तो सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे सेल का ऑप्शन आ जाता है, सेल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, प्राइस लिमिट सेट करेंगे और उसको सेल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ग्रो एप्लीकेशन में जो है किसी भी स्टॉक्स को बाई करेंगे और किसी भी स्टॉक्स को सेल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।